अगली खबर आ रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर। सीएम शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाई। 315 बच्चों को सीएम हाउस बुलाया गया। शिवराज ने बच्चों से कहा, ये मामा का घर है, खूब मस्ती करो। शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सीएम हाउस में दिवाली मनाई। इसमें भोपाल के आसपास के 315 बच्चों को बुलाया गया। ये वे बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने पेरेंट्स को खो दिया। शिवराज ने इन बच्चों के लिए तारे जमीन पर मूवी का सॉन्ग भी गाया। सीएम और पत्नी साधना सिंह ने डांस भी किया। सीएम ने कहा, इन बच्चों की जिंदगी में रंग भरने के लिए हम नाचे। हम बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। सीएम शिवराज ने बच्चों के लिए बम बम बोले मस्ती में डोले सॉन्ग भी गाया और कहा, ये तुम्हारे मामा का घर, मस्ती और एंजॉय करने के लिए है, आनंद करो, खूब मस्ती करो। इसके बाद शिवराज ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ बच्चों के लिए बच्चे मन के सच्चे गाना भी गाया। सीएम ने नदियां चले चले रे धारा तुझको चलना होगा भी गाया। कार्यक्रम में 315 बच्चे शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन बच्चों को बुलाया। भोपाल और आसपास के जिलों के रहने वाले बच्चे सीएम हाउस पहुंचे। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कलेक्टर्स के जरिए ऐसे दीपोत्सव प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा, पहले माता पिता ना होने वाले बच्चे हायर एजुकेशन करने के लिए परेशान होते थे, लेकिन फिर मैंने योजना बनाई कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है वे जहां तक पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें पूरी मदद मिले। इनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फीस मामा देगा। मेरी बात समझे, शहर के जिंदगी नहीं चल सकती, जो गुजर गया उसे भूल जा और आगे बढ़ने की प्रेरणा लो, चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पार कोई होता है जो सफर में चलता है, तो कोई ठहरेंगे तो नहीं, जोर से बोलो, हमेशा चलेंगे। मेरे बेटा बेटियों, ये मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी आवाज उन सब बच्चों तक पहुंचे जो किसी ना किसी कारण अपने माता पिता को खो देते हैं, अकेले रह जाते हैं, वो कोविड के कारण हो या कारण और कोई चीज बन जाए, कई बार ऐसी जिंदगियां बोझ बन जाती है और लोग कई बार मासूम बचपन का फायदा भी उठाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामा तुम्हारे साथ है, मध्य प्रदेश की सरकार तुम्हारे साथ है, हम किसी भी पल तुम्हें अकेला नहीं रहने देंगे, हम मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। और इसलिए कोविड के बाद बनी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, कहां जाए बच्चे, क्या करें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये मेरा रहमान है, कहां गया रहमान, रहमान कहां है, इधर आजा रहमान, ये देखो इतना सा रहमान, छोटा सा बेटा, आ जाओ बिल्कुल मत डरो, ये छोटे छोटे से बच्चे आखिर ये किसके पास रहेंगे, ये मामा के पास रहेंगे, सरकार इनकी व्यवस्था करेगी। इसलिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जिसमें 5,000 रुपया महीना ऐसे परिवारों को भी दिया जाता है। दिया जाए लोकल को वोकल को,
अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता इतनी अच्छी सुनाई बेटी ने, आओ फिर से दिया जलाएं। तो आइए दिया जलाने के लिए तैयार हो जाए, इसमें कोई बहुत बहुत आशीर्वाद। मामा तो है ना, क्यों चिंता करते हैं बच्चे। अब इन बच्चों के लिए मामा है, परिवार है, और इन सब बच्चों की बेहतर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी है। जनपद नई जड़ी क्षेत्रवासी ग्राम वासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनी जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी, आपका सुख ही हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प है। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाव विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति।